दोस्तों वेलकम बैक टू माय हाईबूम चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें, तभी आप लोग मेरे नए और नए वीडियो अपडेट्स को देख सकते हैं। टीवीएस ने अपनी लोकप्रिय 160 सीसी की बाइक का नया वर्जन अपाचे आरटीआर 160 4V को हाल ही में लॉन्च किया। अपाचे आरटीआर को सबसे पहले साल 2005 में उतारा गया था और यह अपाचे लाइनअप की पहली बाइक भी रही है। तब से अब तक इस बाइक ने लंबा सफर तय किया है। अपाचे आरटीआर 160 में लॉन्च के समय में ही लैप टाइमर, पेटल डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी बात थी। इस सेगमेंट बजाज पल्सर हमेशा से डोमिनेट रही है, लेकिन अपाचे आरटीआर 160 ने हमेशा ही उसे कड़ी चुनौती दी है। RTR का मतलब ही है रेसिंग थ्रोटल रिस्पांस है, तो स्वाभाविक तौर पर इसे परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। पिछले एक दशक में TVS ने इसमें कई बड़े सुधार और अपडेट्स किए गए हैं। कुछ दिन पहले कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप रेसर बाइक अपाचे RR 310 और अपाचे RTR 204V को भी लॉन्च किया था। अब कंपनी ने अपाचे RTR 160 4V को भी लॉन्च कर दिया है। TVS मोटर्स ने बेंगलुरु स्थित होसुर प्लांट में अपनी नई बाइक अपाचे RTR 160 RTR 4V को मैन्युफैक्चर कर रही है। आइए जानते हैं कि क्या नया और खास है इस बाइक में। TVS अपाचे RTR 160 4V को नई डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ उतारा गया है। अपाचे RTR 160 के डिजाइन की बात करें तो इस बाइक को हाल ही में लॉन्च हुई अपाचे RTR 204V की तर्ज पर बनाया गया है और इसकी डिजाइन भी RTR 204V से ही प्रभावित है। अपाचे RTR 160 4V हुबहू RTR 204V से मिलती है। पहली नजर में दोनों बाइक्स को एक साथ देखने पर शायद आप पहचान ना पाएं कि कौन सी बाइक अपाचे RTR 160 4V है और कौन सी अपाचे RTR 204V। अपाचे RTR 160 4V को 6 बार INMRC रेस विजेता RTR 165 प्रोटोटाइप के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कंपनी ने इसमें नए एग्रेसिव हेडलैम्प दिया है जो कि LED DRL के साथ आता है और इसके हेडलाइट में हेलोजन बल्ब लगाए गए हैं। इसके साथ ही अपाचे RTR 160 4V में ऑटो हेडलाइट ऑन AHO सिस्टम भी दिया गया है। 2018 TVS अपाचे RTR 160 4V में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं, जो 0 सेकंड 60 किलोमीटर घंटा टाइम और गियर शिफ्ट इंडिकेटर सिर्फ फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट में शो करता है। इसके साथ ही यह डबल बैरल एग्जॉस्ट मफलर के साथ आता है। अपाचे RTR 160 4V में मस्क्यूलर फ्यूल टेंट दिए गए हैं, जो कि एरोडायनेमिक मॉडल पर बना है। इसका सैडल भी काफी शानदार और कंफर्टेबल है और पीछे की सीट भी काफी लंबा है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्री को कोई दिक्कत नहीं होती है। आरामदायक सैडल के कारण इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी ले जाया जा सकता है। कुल मिलाकर बाइक का लुक काफी बोल्ड है, खासकर रेड कलर में। इसके अलावा इसमें दो अन्य कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं, मेटालिक ब्लू और नाइट ब्लैक। 2018 अपाचे RTR 160 4V दो वेरिएंट में उपलब्ध है, कार्बोरेटर और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। दोनों ही वेरिएंट में 159.7 सीसी ऑयल कूल्ड 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर इंजन दिए गए हैं। हालांकि दोनों बाइक्स के पावर आउटपुट में थोड़ा फर्क है। जहां कार्बोरेटर वेरिएंट 16.3 BHP की पावर देता है, वहीं फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट 16.6 BHP की पावर पैदा करता है। दोनों ही इंजन 14.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती हैं। नई RTR 160 4V के इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स से लैस किया गया है और इसकी टॉप स्पीड 116 किलोमीटर प्रति घंटा की है। फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में मोनोशॉक दिए गए हैं। इस सस्पेंशन की खास बात है कि इसे शोबा जापान के एक्सपर्ट के द्वारा ट्यून किया गया है।
2018 अपाचे आरटीआर 160 4V के ब्रेकिंग की बात करें तो इसके अगले टायर में 270 मिलीमीटर के पेटल डिस्क ब्रेक और पिछले टायर में 200 मिलीमीटर के ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। 2018 अपाचे आरटीआर 160 4V को 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने के लिए इसे 5 सेकंड से कम समय लगता है और इसकी टॉप स्पीड 116 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यहां वाइब्रेशन का जिक्र करना काफी जरूरी है। 85 किलोमीटर घंटा की रफ्तार तक तो ये वाइब्रेट नहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड 85 किलोमीटर से आगे बढ़ती है बाइक थोड़ा वाइब्रेट करती है, लेकिन फिर भी टीवीएस ने इस पर अच्छा काम किया है। अपाचे आरटीआर 160 4V में 12 लीटर की क्षमता वाला फ्यूल टैंक लगाया गया है। पहली राइड में तो माइलेज का पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह मोटरसाइकिल 40 या 50 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। नई अपाचे आरटीआर का आगे के तीनों ही वेरिएंट में ट्यूबलेस और बढ़िया ग्रिप वाले टायर दिए गए हैं, जिससे कारण रोड के कॉर्नर पर भी बाइक स्लिप नहीं होती है। स्मार्ट डिजाइन सेटअप से टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V की सवारी काफी कंफर्टेबल लगती है और कॉर्नर में भी यह मोटरसाइकिल फ्लोट नहीं छोड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या आपको अपाचे आरटीआर 160 4V खरीदनी चाहिए। चलिए पता करते हैं इसके प्राइस वैल्यू से। 2018 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है। कार्बोरेटर ओनली फ्रंट डिस्क ब्रेक प्राइस 81,490। कार्बोरेटर फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक प्राइस 84,490। EFI फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक प्राइस 89,990। प्राइस के हिसाब से टीवीएस ने नई अपाचे आरटीआर 160 4V में जो फीचर्स दिए हैं वो इस सेगमेंट की अन्य बाइक्स में बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि पल्सर 160 NS, सीबी हॉर्नेट 160 और सुजुकी 150। तो अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट में एक परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं तो अपाचे आरटीआर 160 4V आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।